सीपीसी में होने वाली आलिया तरामीम के बारे में मेरे वकला भाई तो आगाह हैं, मगर हमारे दीगर दोस्त जो वकील नहीं है उनको अभी पता नहीं है। तो मैं अर्ज करूं कि जाब्ता दीवानी हमारा जो सिविल मुकदमात के लिए कानून था, एक सदी पुराना बल्कि 100 साल से भी पुराना कानून है, जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी, तो अब उसको अपडेट किया गया है, उसमें कुछ तरामीम की गई हैं। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून सब जानते हैं, तो अंग्रेज़ ने अपने मुल्क में भी, इंग्लैंड में भी, जो पुराने कवानीन थे उनको वक्तन फवक्तन कई बार अपडेट किया है। तो मेरी नज़र में इसको भी अपडेट होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि इसके बारे में जो दीवानी कानून है सिविल मुकदमात को जो डील करता है, इसके बारे में कहा जाता है कि दादा करता है और पोता कहीं जाके उसका नतीजा देखता है, हारना जीतना तो बाद की बात है। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में दीवानी मुकदमात यानी सिविल मुकदमात के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए और कारून का खजाना चाहिए। तो इन तरामीम से थोड़ा एक्सपीडाइट हो जाएगा मामला, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपीडाइट हो जाएगा। यानी आप देखें ना कि जब आप मुकदमा दायर करेंगे, दायरी से लेके और मुकदमे के कंक्लूड होने तक एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है, तो उसके साथ आपने चलना है। और मुकदमा जो है 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने, उसमें मुकदमे का फैसला हो जाना है, तो इससे जल्दी और फिर क्या हो सकता है। यानी इसमें सिर्फ ये है कि प्रोसीजर थोड़ा हो गया, चीज़ें तब्दील हो गया है, वो वकला से रिलेटेड मामला है, और 2 हिस्से कर दिए हैं। पहले मुकदमा जब हम दायर करते थे तो सीनियर सिविल जज के पास दायर करके मार्क हो जाता था मुकदमा मुतलका ट्रायल कोर्ट को, और वहीं सारा प्रोसीजर होता था। अब ऐसे नहीं है, अब उसके 2 हिस्से कर दिए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो मुकदमे की दायरी के बाद से लेके इशू फ्रेम होने तक प्रोसीजर को देखेगी, और दूसरी है ट्रायल कोर्ट, और इशू फ्रेम होने के बाद से लेके वो जजमेंट तक ट्रायल कोर्ट देखेगी। अब जब दायर करेंगे तो जितने मुद्दा लेहान हैं उतनी कापियां मुकदमे की जमा करानी पड़ेंगी, उसके 5 हैं तो 5 आपको एक्स्ट्रा कापियां आपने मुकदमे के साथ जमा करानी पड़ेंगी, 2 एक्स्ट्रा कोर्ट के लिए जमा करानी पड़ेंगी, और साथ ही फहरिस्त वारसान देनी पड़ेगी मुद्दई को। और इसी तरह जब मुद्दा लेहान या मुद्दा लेहा या डिपेंडेंट डिफेंडेंट्स आएंगे या आएगा, तो उनको भी जवाब दावा के साथ फहरिस्त वारसान देनी पड़ेगी। यानी आप अगर फर्ज किया कोई मुदई में से या मुद्दा लेहान में से कोई अगर वफात पा जाता है, तो वो रिकॉर्ड कोर्ट के पास पहले ही मौजूद होगा कि हाउ टू डील विद द केस नाउ, यानी वारिस जो है उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जो प्रोसेस सर्विस के मोड्स हैं वो सारे ही अडॉप्ट हो जाएंगे। यानी जो ही मुकदमा दायर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है सारे मोड्स उसी वक्त इनिशिएट कर देगी, यानी रजिस्ट्री के जरिए भी समन चला जाएगा, नोटिस चला जाएगा टू द पार्टी, और कोरियर से भी चला जाएगा, और प्रोसेस सर्वर जिसको हम तामीलिया कहते हैं, तामील करने और कराने वाला, तामील कुनंदा, वो भी जाएगा, और वो
ना सिर्फ जाएगा बल्कि उसके पास स्मार्टफोन होगा, वो वहां पर वो नोटिस जो आवेदन करेगा उसके डिफेंडेंट ये मुद्दालय के घर पर उसकी तस्वीर लेगा, और जिसको नोटिस सर्व करेगा उसकी भी तस्वीर लेगा, और ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा साथ। ये नहीं होगा कि तामिलिया घर बैठ के या अदालत में बैठ के वहां पर ही वो लिख दे जी कि मिला है या नहीं मिला, फर्जी रिपोर्ट, ऐसा नहीं होगा। उसको ट्रैक किया जाएगा बाकायदा, मॉनिटरिंग होगी कि वो वाकई वहां गया भी है कि नहीं, और दूसरा उसकी तस्वीर होगी जिसको सर्व करवाया उसने नोटिस, और अगर उसने इनकार किया तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। तो अगर तो गिवन टाइम पे और एक बार ज्यादा से ज्यादा ये प्रोसेस रिपीट होगा, और उसके बाद अगर तो पार्टी आ जाती है तो वो 30 डेज होंगे उसके पास, उसमें जवाब जमा करा देगा, और अगर नहीं तो एक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और अगर आ जाता है तो वो अपना जवाब देगा, और उसके बाद 7 डेज होंगे जिसमें इश्यू फ्रेम हो जाएंगे, और उसके बाद केस शिफ्ट हो जाएगा ट्रायल कोर्ट के पास, और फिर पार्टीज को तलब कर लिया जाएगा, यानी दोनों फ्री हाजिर होंगे, प्लेंटेफ्स भी और डिफेंडेंट्स भी। तो एक मीटिंग होगी कि ताकि अगर कोई तस्वीर उन्होंने करना है, आप उसमें कोई ऐसी सूरत तो निकल आ सकती है जिसमें सेटलमेंट हो सकती है, तो कोर्ट जो है वो उनको एक मौका देगी और एडीआर में भेज देगी, यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए मुकदमे को भेजेगी। वहां अगर वो सेटल कर लेते हैं, रिकनसाइल कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर देते तो वापस आ जाएगा, मुकदमा वहीं से शुरू हो जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद 20 डेज में जजमेंट आ जाएगी, और बस दैट्स इट, मुकदमे का फैसला हो गया। और पहले यह होता था कि मुकदमे का फैसला हुआ उसके बाद आपको अलग से इजरा की दरखास्त देनी पड़ती थी, और उसमें बाज़ुकात डिले भी हो जाता था, तो अब वो जो ही जजमेंट आएगी ऑटोमेटिक वो इजरा में शिफ्ट हो जाएगी, तो इजरा ऑटो पे इजरा जो है वो उसका प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये साइलिन के लिए तो बड़ा आसानी हो गई है, यानी उनका मतलब सिस्टम बड़ा ऑटोमेटिक हो गया और जल्दी हो जाएगा। अलबत्त तो वकला को कुछ तहफ़ात हैं उसके जो टेक्निकल हैं, कई चीज़ें जो हैं वो उनकी भी सुननी चाहिए, और उसको जो उनके मामलात हैं उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि और स्मूथ हो जाए, बेहतर हो जाए मामलात, और इसकी ज़रूरत तो महसूस की जाती रही है पहले भी। तो अपने कवानीन को वक्त तब्दील होने के साथ साथ उनको हम आहंग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।